निशिकांत जी, बीजेपी ने एक मुहिम चलाई, आपको लगता है कि आज जो चुनाव आयोग ने फैसला लिया है, सिफारिश की है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की सदस्यता रद्द करने, गवर्नर को पत्र भी भेजा है, ये उस मुहिम का ही फल है? हमने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, हमने कहा कि उन्होंने माइंस ले ली, माइनिंग मिनिस्टर के नाते जिनका कि कोई राइट नहीं बनता है, वो बिजनेस नहीं कर सकते, वो भ्रष्टाचारी आदमी है। इलेक्शन कमीशन ने जो आपके हिसाब से, मुझे आपके माध्यम से जो जानकारी मिल रही है, ये जानकारी यदि सही है तो भारतीय जनता पार्टी का निश्चित तौर पर अपर हैंड है और हम इसको जो है अब जनता तक ले जाएंगे। लेकिन विपक्ष, आपके लगातार जिस तरह से सीबीआई के रेट पड़ रहे हैं, ईडी के रेट पड़ रहे हैं, अब विपक्ष कर रहा है सीबीआई, ईडी और आईटी तो था ही, अब चुनाव आयोग भी सरकार और बीजेपी के कहने पर काम कर रही है। देखिए, अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल। उन्होंने सुखराम को ठिकाने लगाने के लिए आईटी का रेट करा दिया, लालू प्रसाद जी को ठिकाने लगाने के लिए देवेगौड़ा जी ने जो है उनको उस वक्त जो है जेल में बंद कर दिया। उसी तरह राजा करुणानिधि की बेटी कनिमोजी, सभी आपको पता है कि उन्होंने कैसे ठिकाने लगाया। कमलनाथ को ठिकाने लगाया था, नरसिम्हा राव को तो क्या किया, माधवराव सिंधिया जी को बेइज्जत किया। तो कांग्रेस जो करती रही है वही दूसरों को सोचती है। ये भारतीय जनता पार्टी है, जीरो टॉलरेंस पर विश्वास करती है। मोदी जी हैं, न खाते हैं न खाने देते हैं। हम हमेशा एक चीज़ लगातार रिपीट कर रहे हैं, फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि यदि भारतीय जनता पार्टी का भी कोई सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री यदि करप्ट प्रैक्टिस करता हुआ पकड़ा जाएगा तो वो सलाखों के पीछे होगा, उसके ऊपर भी सीबीआई की रेड होगी, उसके ऊपर भी ईडी की रेड होगी, उसको भी इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। और मैं ऐसे 50 सांसदों को जानता हूँ जिनके यहाँ इनकम टैक्स के रेड हुए हैं पिछले 4-5 सालों में, और जिनको जो है इनकम टैक्स की नोटिस रोज़ मिलती रहती है।